एनर्जी बचा है गैस उसका। हाँ मैं वही कह रहा था, पूरा नहीं हटा सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बार देखना उसका कुछ पोर्शन है, बट हाँ मेजर रिडक्शन हुआ है सोर्स ऑफ एनर्जी से भी, विच इज काइंड ऑफ बायो पार्ट, नॉट बायो, एनवायरमेंटल साइंस है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो बिफोर आई स्टार्ट आई रियली वॉन्ट टू नो आप लोगों को क्या क्या पता है लाइट के बारे, बिकॉज आई विश टू नो कि जैसे अवनीश तुम्हें से पूछते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ रैंडम डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन या कर्व्ड डायरेक्शन? स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन, उसको क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, उसके दो वर्ड में साइंस में हम कहते हैं लाइट की इस एबिलिटी को। सर अभी याद नहीं आ रहा वो। चलो मैं हिंट देता हूँ, कुछ प्रोपागेशन कहते हैं, याद आया? कैसी प्रोपागेशन मैं बोलू बोलो सानवी? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। वेरी गुड, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, क्योंकि रेक्टिलिनियर का मतलब क्या था, मोशन चैप्टर में पढ़ा था हमने, स्ट्रेट लाइन में होकर एग्जैक्टली कोई चीज जो स्ट्रेट। तो लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, विच इज अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि हाँ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसे घुमा फिरा के सब क्या बोल रहे हैं सर, एक्चुअली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें लाइट चैप्टर में मिरर्स और लेंसेज ये पढ़ने, तो मिरर्स और लेंसेस कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक? दोनों दोनों कैसे हैं भाई? सर मैक्रो मैक्रो है मैक्रो ना। मैक्रो हाँ, तो लाइट जब भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करती है तो उसकी ये वाली प्रॉपर्टी डोमिनेट हो जाती है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन वाली। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है लाइट की? हाँ, उसको कहते हैं वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव मतलब भूल जाती है लाइट की, मैं सीधे चलती हूँ, एक्चुअली लाइट ऐसे चलती है, ऐसे वेव की तरह। वेव इज जस्ट लाइक अ प्योर एनर्जी, एनर्जी जब मूव करती है स्पेस से, ठीक है, वेव पैटर्न्स बनाती है। तो सर इसमें उसमें सर फर्क लाइट क्या है, तो सर एक मिनट ये मैं, तो तभी होता है ना जब अनप्लेन मिरर पे जब टकराती है, अनप्लेस नहीं, मैं वही बता, सरफेस पे। हाँ अनपॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड कहना चाह रहे हो ना चिराग? सर नहीं नॉट रियली, मैं बता रहा हूँ उसको। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन एक चीज हमने देखी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इंटरैक्शन लाइट का हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए डिफाइन करते हैं कि हाँ लाइट ऐसे इंटरैक्ट कर रही है, इस एंगल से टकरा के जाएगी वगैरह वगैरह। कुछ एंगल्स आपको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये पहला है ना यस लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप इतना पता है सबको। चलो मैं बताऊंगा ही यस वैसे, सर ठीक है। सर दूसरा ही और पता वेव नेचर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ दिखाती है लाइट, मतलब ये पार्शियली बिहेव करती है लाइट। माइक्रोस्कोपिक सर कितना छोटा, सर ह्यूमन हेयर की जितनी विड्थ है, आपके सेल, सर सेल, हाँ ह्यूमन में, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, राइट? तो लाइट सेल के साथ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन नहीं फॉलो करती है, खासकर आपको सबको पता होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और लाइट का जो इंटरेक्शन है ना, बहुत ही खास इंटरेक्शन है, ऐसा वैसा इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि सनलाइट अपने साथ बहुत सारी एनर्जीज लेकर आती हैं, बहुत सारी, बहुत सारी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ एनर्जीज अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में होती हैं। सर ये फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहे हो, सबको विबग्योर का मतलब पता होगा, यस सर ठीक है, तो विबग्योर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक कलर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, दैट्स व्हाई यू सी एक्चुअली कलर्स डिफरेंटली। तुम्हें ब्लू ब्लू की तरह और ग्रीन रेड की तरह क्यों नहीं दिखता, क्योंकि इसके पीछे उसका रीजन है फ्रीक्वेंसी। तो ये सबको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और ठीक उल्टा रेड से वायलेट की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। इसलिए दिवाली में कभी कभी घर में लोग ब्लू लाइट लगा लेते हैं ना, आंखों में कितना इरिटेट करता है, या रेड लाइट इरिटेट करती है, बताओ कौन ज्यादा इरिटेट करेगा, रेड एकदम लाइट सर ब्लू रेड कैसे कर सकता है, सर ब्लू ब्लू करता है, करता
ठीक है, तो डिपेंड करता है ना कितनी सस्ती और कितनी महंगी लाइट है। इट्स नॉट सस्ती महंगी, इट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी, इट्स अबाउट कि वो किस फ्रीक्वेंसी का ब्लू लाइट एमिट कर रही है, क्या उसमें मोनोक्रोमैटिक है, ये आपको वर्ड मैं आगे बताऊंगा। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी से जब कोई लाइट बनती है उसको मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। तो याद रखना हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स हमें बहुत इरिटेट करती है आंखों को, और इसलिए तो वायलेट के भी इधर हाई फ्रीक्वेंसी में यूवी लाइट्स होती हैं। देख लो लो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे लो तो नहीं, रेड के ठीक इधर होती है इंफ्रारेड। टीवी चलाते हो ना, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, इंफ्रारेड लाइट्स होती है। तो ये जो आईआर सेंसर होता है, जो रिमोट के आगे जो छोटा सा एलईडी लगा है ना, वो एक्चुअली एलईडी नहीं है, उसको कहते हैं आईआर सेंसर, ब्लास्टर। अच्छा हाँ, ब्लास्टर सेंसर नहीं है, इसको सेंसर नहीं कहते हैं, ब्लास्टर ही कहते हैं। दिस इज एक्चुअली एन आउटपुट डिवाइस, सेंसर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सर उसकी लाइट कैमरे में क्यों दिखती है? तुम्हें नहीं दिखेगी क्योंकि वो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी में है, ठीक है? और गलती से ऐसे करके मत दबाते रहना बटन। हाँ क्या कह रहे हो? सर कैमरे में क्यों दिखती है? कैमरे में इसकी लाइट दिखती है, मुझे तो आज तक नहीं दिखती। सर मैं अभी भी थोड़ा वेव नेचर पे कंफ्यूज हूँ। हाँ सही कह रहे हो यार, दिखती है लाइट, पर्पल कलर, नाइस, मुझे पता नहीं था। देखना तुम लोग फोन के कैमरे से देखोगे ना और बटन दबाओगे एसी का या जो भी रिमोट जिसके आगे ये आईआर ब्लास्टर लगा है, तो आपको मुझे तो नहीं दिख रही, पर दिख नहीं चाहिए सर। मुझे वो याद आ गया, बोलो। क्लास 9th में ना हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था इसी इंफ्रारेड लाइट के, जैसे आपकी जैसे सिनेमा हॉल में आपकी मूवी चल रही होती है थिएटर में, तो लोग जाकर के मूवीज को वो करते हैं ना, रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इल्लीगल काम होता है वो। तो सर हम लोगों ने एक वो बनाया था कि पायरेसी होती है, तो सर हम लोगों ने प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने जो लाइट थी ना फ्रीक्वेंसी जो आपके पर्दे पे पड़ती है उसको बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से कैमरा में जब हम रिकॉर्ड करते थे उसकी वजह से वो क्लियर नहीं आ रहा था, ना ही कुछ समझ में आ रहा था। अच्छा अच्छा, मतलब कैमरा की रिकॉर्डिंग को जानबूझकर घपलेबाजी करने के लिए, मतलब डिस्टॉर्ट करने के लिए। यस सर, पीछे प्रोजेक्टर से ही हम हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स को एमिट करवा रहे थे आँखों को। हाँ ये भी है, लेकिन डिपेंड करता है, कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज को आँख कर सकती है बर्दाश्त। सर बीच में तो शीशे लगा होता है ना प्रोजेक्टर के बीच में? नहीं नहीं, शीशा कभी प्रिवेंट नहीं करता लाइट को, लाइट की सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को मतलब क्रॉस करने में। इट इज स्पेशल लेयर्स, जैसे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्यों यूवी रेस को रोकती है? क्योंकि उसकी आयोनाइजिंग पावर होती है। शीशा थोड़ी, वो तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है शीशा, इनफैक्ट वो तो अलाउ कर देगा लाइट को अपने थ्रू पास होने में। एनीवेज द पॉइंट जस्ट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स गेट बैक टू दिस। वेव नेचर में क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को कुछ नहीं समझती है वो। एक छोटा सा पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक, तो उसको पार करके निकल जाएगी लाइट। तुम्हें लगता है नहीं सर लाइट तो सीधी लाइन पे आनी चाहिए, इससे टकराएगी तो फिर इधर डिफरेंट डायरेक्शंस में डिस्पर्स हो जाएगी। एक्चुअली ये तब तक है मुमकिन जब तक ये पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ठीक ठाक। मतलब सर ऑक्सीजन एटम के साथ लाइट कैसे बिहेव करेगी, रे की तरह या वेव की तरह? रे मतलब लाइन या वेव, सांप चलते वेव की तरह, ठीक है? तो हम इस चैप्टर में कौन सा नेचर एक्सप्लोर करते हैं? रे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी खेली थी भाई पिछले साल, मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकता हूँ। बोर्ड एग्जाम ने तुम्हें डायरेक्टली ऐसे नहीं बना के दिया लेंस या मिरर। चलो ये मैं कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ, और ये कौन सी लेंस है किसी को पता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? जस्ट आस्किंग, डोंट वरी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। कॉनकेव है यार, चेक करना।
ठीक है, चलो कॉन्वेक्स। ये सर, कौन से वाले की बात कर रहे हो सर, राइट के लेफ्ट? लेंस यार, लेंस। अच्छा चलो कॉन्वेक्स है। चलो चलो पहले हेडिंग तुम लोग दे दो, मैं समझ गया सर। राइट वाला मिरर था, तुम लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। जल्दी लिखो, सबसे पहले राइट lens, वाला मिरर था ना? राइट वाला मिरर था। सबसे पहले तो तुम लोग ये लिखो, लेंस मिरर। जल्दी से बीच में लाइन खींचो और लेंस में सब लोग लिखेंगे, लेंस अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। जल्दी लिखो, थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ, ये बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ। लेंस अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो मिरर का, मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू इट। मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, लेंस इट बेंड्स द लाइट पासिंग थ्रू इट। इट बेंड्स द लाइट पासिंग थ्रू इट, ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, रिफ्लेक्शन इज अचीव्ड बाय पॉलिशिंग, जो चिराग कह रहा था, बाय पॉलिशिंग वन सरफेस, वन साइड ऑफ ग्लास। ठीक है, पता किस चीज से पॉलिश करते हैं, पता किसी को? साबुन नहीं, सिल्वर, सिल्वर, सैंड पेपर नहीं, सिल्वर। ठीक है, पॉलिशिंग सिल्वर से होती है, क्योंकि सिल्वर एक कैसा मेटल है, काफी रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव समझते हो, चमकीला, रिफ्लेक्ट कर देता है, पास थ्रू नहीं होने देता, रिफ्लेक्ट कर देता है। हाँ, मतलब 100 रेज अगर आ रही हैं उससे टकराने, तो 100 में से 90 रेज को वो भेज देगा वापस, ऐसा मतलब रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी उसकी, एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बेसिक चीज लिख ली सबने, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, पिछले क्लास में हमने एक बार हल्के से इंट्रो लिया था ना कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो बताओ अगर ये तुम्हारी आई येलो पोजीशन पे बेस यहाँ पे लोकेटेड है और तुम ये वाला हिस्सा देख रहे हो, तो कौन सा पार्ट देख रहे हो मिरर का? कॉनकेव। एग्जैक्टली, और यहाँ से देख रहे हो तो वेक्स हमेशा निकला हुआ हिस्सा रहता है, ठीक है, और केव हमेशा अंदर की तरफ धसा हुआ, दोनों के आगे कौन तो लगता ही है। तो जब ये तुम लोग ने समझ लिया, लेंस हो चाहे मिरर, जिंदगी में कभी कंफ्यूज मत करना। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने ये लेंस बनाई थी, याद करो थोड़ी देर पहले, तो लाइट जब आ रही है, इस पे फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो कैसे वाले हिस्से से इंटरैक्ट कर रही है, निकला हुआ या धसा हुआ? वेक्स वाले पार्ट से कर रही है ना, और जब इसे छोड़ के भी जाएगी लाइट, लीफ, अच्छा लीव क्यों करके गई, इससे पास थ्रू हो गई, मतलब पक्का रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग, ये नहीं कि लाइट सीधे सीधे निकल गई, सीधे सीधे निकलती तो वो एक्चुअली ये पाथ फॉलो करती, स्लाइटली बेंड हो जाती। ये बेंडिंग की एबिलिटी, ठीक है, लेंसेज में होती है, दैट्स व्हाई वी से लाइट रिफ्रैक्ट्स या बेंड। इसीलिए याद रखना, जब आई इंसिडेंट हुई तब भी वेक्स पार्ट से, और जब निकली तब भी वेक्स पार्ट से, वेक्स पार्ट को छोड़ के जा रही, तो इसलिए कॉनवेक्स लेंस, काम खत्म। लाइट चाहे इस डायरेक्शन से आए या फिर इस डायरेक्शन से आए, क्लियर? कभी भूलोगे? नो सर। कॉनवेक्स और कॉनकेव तो बहुत सिंपल है, ये देखो कॉनकेव लेंस कैसे हिस्से से इंटरेक्ट कर रही है, केव वाला पोर्शन, चाहे यहां से आए या फिर यहां से आए, क्लियर? और मिरर
बताओ, अगर मुझे कॉनकेव मिरर बनाना है, क्या कॉनकेव मिरर, तो मैं किस पार्ट को सिल्वर पॉलिश्ड करूंगा, केव पार्ट को या वेक्स पार्ट को? वेक्स पार्ट वेरी गुड। अगर कॉनकेव, हाँ एग्जैक्टली, अगर कॉनकेव मिरर है तो मतलब उसका इनर, ये बेंड, इनर बेंड सरफेस रिफ्लेक्शन का रोल निभाएगा, तो ऑब्वियसली वेक्स वाले पार्ट को सिल्वर पेंट करना पड़ेगा, तो वेक्स पार्ट इज सिल्वर पेंटेड। अच्छा, सिल्वर पेंटेड। मैं ये तुम्हें कहना चाह रहा था कि बोर्ड वालों ने पता क्या किया था पिछले साल, उन्होंने बस ऐसे बना दिया एक ऑब्जेक्ट और इससे लाइट ऐसे आ रही है, एंड हेयर दे शोड समथिंग लाइक दिस, और बच्चे को प्रेडिक्ट करना था कि भाई ये मिरर है या लेंस है, और भी कुछ इंटरेक्शंस हो रही थी यहाँ, और एक चीज थी, ठीक है। तो बहुत ही इसका सिंपल आंसर था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सर, लेफ्ट लॉजिकली। वाला लेंस है और राइट वाला मिरर। हाँ, अब यस पूछ, सर, उन्होंने सिर्फ यहां तक नहीं रुके थे ना, हद पार कर दी थी उन्होंने, कहा था किस टाइप ऑफ मिरर है, किस टाइप ऑफ लेंस है, क्योंकि देखो जो इंसिडेंट लाइट है जो ए पार्ट से आ रही है, ठीक है, और जब बी पार्ट में निकली ग्रीन रेज, वो आपस में सामने नजदीक आ गई या फैल गई, डाइवर्ज हो गई, नजदीक आ गई। कन्वर्ज हो गई, तो पक्का ये, इसके पास बेंडिंग एबिलिटी है। मैं फिर से तो ये रिपीट सर कर रहा हूँ, कॉनवे कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा। लेंस हुआ है ना, मैं फिर से अच्छा हाँ रिपीट सर, कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बस उन्होंने ये चीज बनाई थी, लाइट ऐसे थी। मैं और थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, बताओ, बेंड हो रही है लाइट, दिख रहा है। क्योंकि यस अगर बेंड नहीं होती तो वो ऐसे ये पाथ लेकर निकल जाती, ठीक। और इस तरफ इन्होंने एक और ऑब्जेक्ट प्लेस किया था कुछ ऐसा, और यहाँ पे इन्होंने मस्त ऐसे शो किया था कि ये एंगल वाली चीज मेंटेन हो रही है। एंगल वाली चीज मतलब ये देखो, अगर मैं इस रेड पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, एंगल तो आपको दिखेगा कि, सो सॉरी, ऑफ इंसिडेंट सेम होगा आपको, रिफ्लेक्शन हाँ, पे। ये दिखेगा कि ये एंगल आपका वाइट में, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहा हूं, और ये एंगल, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेम होगा, तो ऑब्वियसली ये प्लेन मिरर है। ये कैसा मिरर है? प्लेन मिरर, पहली बात, क्योंकि ये मिरर क्यों है सबसे पहले? क्योंकि लाइट को क्या दूसरी रिफ्लेक्ट तरफ, कर रहा है सर, एग्जैक्ट, रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट कर रहा है, रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ पास नहीं करने दे रहा लाइट को। तो यही छोटे छोटे लॉजिक्स पकड़ के हमें बताने थे, वन और टू चीजें हैं क्या, कौन मिरर है, कौन लेंस है, और क्या टाइप है। तो नंबर ये वन किस का, साल आया था ये क्वेश्चन? ये पिछले साल की बात है, वन वाली लेंस थी, और कौन सी लेंस थी, कॉन कॉन्वेक्स, वेक्स, क्योंकि यस कॉन्वेक्स की एबिलिटी कन्वर्जिंग होती है। और नंबर टू, कॉनकेव लेंस था या लेंस मिरर? क्या करता मिरर मेरे मिरर, सर? गुड। कैसा मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? सर दोनों कोई नहीं, प्लेन था, प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर, बताओ दोनों में से कोई भी कॉन्वेक्स क्यों नहीं? सर रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट। रिफ्लेक्ट तो सर कॉनकेव भी करते हैं, रिफ्लेक्ट कॉनकेव भी करते हैं, ये एंगल ऑफ देखो। इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सर रिफ्लेक्शन, इक्विडिस्टेंट नहीं, है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी फॉलो करते हैं, कौन कॉनकेव, ये तो प्लेन देखो। मिरर लेकिन सीधा सर कॉनकेव कॉनकेव, सर करते, डाइवर्ज करते हैं तो अच्छा, ये डाइवर्ज नहीं कर रहा ये पास नहीं होने देता, इसलिए लाइट को सर पास, इक्विडिस्टेंट पास नहीं है होने देना सर। मतलब रिफ्लेक्ट करना, नहीं रिफ्लेक्ट तो ये भी कर रहा है ना कॉनकेव, ये देखो मैं इसको पहले बना देता सर हूँ। अगर दो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होगी तो उनकी जो रिफ्लेक्शन होगी उससे कन्वर्ज हो जाएगी। इसमें कॉनकेव ये करता है, जो कॉन्वेक्स होता है वो उल्टा करता है, मैं डाइवर्ज कर देता है फिर से बोलो। सर। इससे दो बीम ऑफ लाइट आएगी कॉनकेव में अगर, तो उनकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो कन्वर्ज करेगी। अच्छा, एग्जैक्टली, वो उसने ये येलो जो लाइट रेस थी जो रिफ्लेक्ट होके निकल रही है ना, उसने इसको देखकर बोला कि ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, या डाइवर्ज भी नहीं कर रही है, बेसिकली ये मोस्टली लाइक एंगल पैरेलल है, तो ना तो इस मिरर ने
उनको क्लोज लेकर आ गया, क्लोज मतलब ना तो कन्वर्ज किया ना तो दूर दूर भगाया ना तो डाइवर्ज किया, तो पक्का ये मिरर में से कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों नहीं है, प्लेन है। ठीक है, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, चलो उस पे आएंगे और अच्छे से। तो पहले हेडिंग ये डालो लेंस मिरर के बारे में। क्वेश्चन था कि हाँ पता कर चला वो कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा ये बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करती जब लाइट दूसरे तरफ से निकलती है ना, ये देखो इस तरफ से, तो वो कन्वर्ज करती, कन्वर्ज मतलब पास आती है, किसके पास आती है सर? फोकस के पास आती है। फोकस क्या है सर? ये देखो ये फोकस है, सबको पता ना लेंसेज प्लेन नहीं होते हैं, लेंसेज बेंड होते हैं, इसलिए तो स्फेरिकल लेंसेज हम पढ़ते हैं। तो अगर तुम इसका सर्कल पूरा करने जाओगे, सपोज ये सर्कल तुमने इसका पूरा किया, पर आपने तो स्ट्रेट बनाया था वहां पे, वही तो धोखा था ना, वही तो सीबीएसई वालों ने धोखा दिया, सीधा उन्होंने बनाया, लेकिन तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो तुम सही सही बताओ कि लेंस है या मिरर है या क्या। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये देखो ये दिख रहा है, अरे ये लाइट और ये लाइट पास कर रही है उससे, तो पक्का लेंस है, कॉमन सेंस। अगर पास नहीं करती तो वापस ऐसे मिरर होता, ये कॉमन सेंस यही क्लियर हो गई सर, लेंस है। अब तुम्हें ये भी कमेंट करना किस तरह की लेंस है, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइट्स हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, पास आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या क्या खत्म करते हैं, जब इसको तुम बनाओगे इसका कंप्लीट सर्कल, क्योंकि इस पार्ट को सिर्फ हम कहते हैं आर्क, तो जो उसका सेंटर होता है पिछली क्लास में बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम अब कोई भी पॉइंट इस पार्ट में ले लो, सपोज तुमने ये पॉइंट ले लिया ब्लू, जिसको आप पोल, चलो रेड ले लेते हैं, जिसको पोल बुलाते हो, सी और पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन कह रहा हूँ, लाइन सेगमेंट नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइन विच ज्वाइंस द पोल। सर व्हाट वाज पोल, फिर से बताओ। पोल इज एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ, सर लेंस या मिरर, मिरर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा, इस लाइन के टुकड़े को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस सेंटर से कोई भी पॉइंट आर्क पे ना रेडियस होता है, इस रेडियस का आधा फोकल लेंथ है। ये देखो ये है फोकल लेंथ, तो जो मिड पॉइंट हो गया, ये जो येलो पॉइंट बनाया उसको फोकस कहते हैं। गुड, तो याद रखना जब भी कोई, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर प्लेन मिरर आपके पास, ये देखो प्लेन मिरर, ठीक है, और मैंने इसके राइट साइड सिल्वर पॉलिशिंग कर दी, तो ऑब्वियसली यार कौन सा हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा? लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला। ओके, तो आई एक रे ऑफ लाइट यहां से, जो भी रे ऑफ लाइट फॉल होती है मिरर पे, उस रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है सोर्स से, कोई भी सोर्स हो सकती है, सेकेंडरी या प्राइमरी, प्राइमरी मतलब डायरेक्ट लाइट सोर्स से आती है, और सेकेंडरी सर जैसे मेरे हाथ में रिमोट है, मुझे क्यों इसका ये ग्रीन कलर दिख पा रहा है? ये उधार ले रहा है, ये जो लाइट ट्यूबलाइट की उधार लेकर फिर मेरी आंखों में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली जो रे ऑफ लाइट आती है सबसे पहले मिरर पे गिरती है, उसको इंसिडेंट रे, जहां पे गिरती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मत भूलना। ठीक है, और बस उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप एक नॉर्मल बनाओगे, सबको नॉर्मल बनाने आता है, परपेंडिकुलर लाइन। तो बस जहाँ परपेंडिकुलर लाइन बन गया, बहुत 90% खेल आसान हो जाता है। इस एंगल को मेजर करना, जो भी एंगल होगा, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, तो गाइज इसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, इंसिडेंट रे जो फॉल हुई है, और जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होके रे जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हमें इक्वल रखना पड़ेगा सर।
ऑफ कोर्स जितना हो सके इक्वल बनाना, ये तो पहला लॉ है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहला लॉ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये कॉमन सेंस है, समझ जाना. एंगल आई इसे कह रहे हैं लोग, जिसको आप लोग थीटा आई भी बुला सकते हो. आई रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन मत लिखना, रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये कौन सा फेनोमेनन है? रिफ्रैक्शन फेनोमेनन है, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन फेनोमेनन है. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट जब बाउंस होकर किसी पॉलिश्ड सरफेस या किसी भी रेगुलर या इरेगुलर सरफेस से बाउंस होकर वापस आ जाती है. रिफ्रैक्शन चेंज इन डायरेक्शन को बोलते हैं. रिफ्रैक्शन सीधा, हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग. ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर है सबको, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, सेकेंड लॉ जो इम्पॉर्टेंट है बट बहुत बच्चे ऐसे इसको ऐसे नहीं समझते हैं, ध्यान से सुनना. वो कहते हैं कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एकदम स्टेप वाइज जोड़ रहा हूँ, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. नॉर्मल कौन था? ये येलो लाइन. सर नॉर्मल क्या हकीकत में एग्जिस्ट करता है? नहीं, नॉर्मल है परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होता है. इट्स वेरी गुड, इट्स एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. हाँ, टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, हाँ, इंसिडेंस. वेरी गुड. ये नहीं कि तुम कहीं भी परपेंडिकुलर गिरा दो, नहीं, ये पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैच करना चाहिए. तो इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक, ठीक है, ये बेसिक बेसिक है. अब देखो जो मैं कहने जा रहा हूं, आई होप लिख लिया सबने. आगे बढ़ू? यस सर, यस सर. ठीक, तो ये मिरर है, सॉरी, ये मिरर है, ये सिल्वर पॉलिशिंग है, ये मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पहले नहीं, पहले हमें स्टेप वाइज जाओ, पहले इंसिडेंट रे को लेंगे, जहां पे वो टकराएगी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेंगे, फिर उस पॉइंट पे क्या बनाएंगे? नॉर्मल. सबको पता है 90 डिग्री बनाती है वो सरफेस के साथ, ये देखो. तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट ने एंगल बनाया, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जितने एंगल, व्हाटएवर एंगल द इंसिडेंट रे हैज फॉर्मड, द सेम एंगल विल बी फॉर्मड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द रिफ्लेक्ट रे. किससे, किसके साथ बनाएंगे? नॉर्मल विद द नॉर्मल, एग्जैक्टली विद द नॉर्मल. इसको कहते हैं थीटा आर. यही है फर्स्ट लॉ जिसको हमने अभी भी देखा, थीटा इक्वल्स टू थीटा आर. ओके, तो थर्ड, सेकेंड लॉ ध्यान से सुनो, ये है रिफ्लेक्टेड. इंसिडेंट, क्या क्या चार चीजें होंगी जल्दी से गिनवाओ. कहानी कहां से शुरू हुई? पूरी इंसिडेंट रे से. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. स्टेप वाइज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद नॉर्मल, नॉर्मल एग्जैक्टली, फिर नॉर्मल के बाद रिफ्लेक्टेड. तो ये चार चीजें. इंसिडेंस तभी आएगा जब नॉर्मल बनेगी. नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जब आता है ना, फिर नॉर्मल बनती है. फिर जब एक बार नॉर्मल बन जाती है ना, तो तुम्हें थीटा ही मिल जाता है इंसिडेंट रे. जब थीटा ही मिल जाता है, इसी को यहाँ पे कॉपी कर देते हो, तो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाती है. तो पहले इंसिडेंट, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर नॉर्मल, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी, फिर वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी. तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये चारों के चारों चीजें, क्या क्या सर? इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, लाई इन द सेम प्लेन. इसका मतलब क्या है? बहुत पतली सी चादर, बहुत पतली सी चादर जो बेंड नहीं हो सकती. जैसे
जैसे फोन की स्क्रीन, ये एक प्लेन है, हाँ तुम बेंड कर सकते हो चाहो तो, हाँ तुम चाहो तो उसको बेंड कर सकते हो तोड़ ताड़ के, बट नॉर्मली इट्स वेरी प्लेन. फॉर एग्जाम्पल ये चादर है, ठीक है, ऑफ कोर्स ये प्लेन सरफेस है, इट्स अ कर्व सरफेस, कर्व कर्व, ठीक. दे ऑल लाइन अ सेम प्लेन का ये मतलब है, ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे आई किस में लाई कर रही, इंसिडेंट रे जो तुम स्क्रीन अभी देख रहे हो, ठीक है, वो स्क्रीन एक इमेजिन कर लो बहुत पतली सी चादर है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो भी उसी स्क्रीन पे लाई करेगी, ये नहीं कि रिफ्लेक्टेड स्क्रीन से बाहर निकल जाएगी, वो उसी प्लेन पे लाई करेगी जिस पे इंसिडेंट रे लाई कर रही है, स्क्रीन से बाहर नहीं निकल जाएगी. जब स्क्रीन से बाहर निकलेगी तो अब इसका प्लेन अलग है, वो अलग स्पेस में लाई कर रही है. तो ये चारों के चारों चीजें जिसमें से एक पॉइंट है, कौन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये तीन लाइंस थी, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो सर सेकंड लॉ में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं लिखेंगे ना? सेकंड लॉ में वो भी लिखेंगे, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन द सेम प्लेन. बुक में तो पर सर तीन रे, नॉर्मल और इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड, इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है. अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लिख देना, कोई हार्म नहीं उसमें. ओके सर, किसी को डाउट है तो पूछो अभी. ठीक है, तो अब आते हैं मिरर्स में. हेडिंग देना मिरर्स, सॉरी हेडिंग सिर्फ मेरा नहीं, स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि प्लेन मिरर आई होप आपको पढ़ाऊं, प्लेन मिरर पता ही है, उसी के बेसिस पे दो चीजें बेस्ड है जो अभी अभी हमने लॉ देखे. मतलब सर स्फेरिकल मिरर वो फॉलो नहीं करते हैं दो लॉ? नहीं, वो भी करते हैं. जहां वर्ड मिरर आ गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां फॉलो होगा. चाहे शुरू शुरू में जो चिराग ने भी बोला कि अनपॉलिश्ड सरफेस ही क्यों ना हो, तुम्हें पता अनपॉलिश्ड सरफेस भी फॉलो करता है एंगल ऑफ, एंगल कह रहा हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अभी क्योंकि ये टॉपिक नहीं, हमें ये नहीं समझना, तो इस पे हम लोग कुछ ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में जाने से पहले एक चीज सुन लो ध्यान से. आपको पांच कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए प्लेन मिरर के. वो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक किस चीज का सर, किस चीज के फीचर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड, लिखो इसे कहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट बाय प्लेन मिरर. हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिर्फ दो हुए हैं, टोटल पांच होते हैं. लिटरली इनवर्टेड. हाँ, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेम साइज से. सेम साइज का मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी उसके इमेज बनती है. ये नहीं कि तुम एक छोटा सा लेट्स से वो खरीद के लेकर आए, लेट्स से कुछ भी, किसी भी चीज की इमेज तुम देखना चाह रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी इमेज उस ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं दिखेगा. ठीक है, सेम साइज का दिखेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, वो वर्चुअल होती है. हाँ, डिस्टेंस करेक्ट, वो भी लिखते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सर अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन जैसे जो अपसाइड अपसाइड डाउन नहीं होती है. अपसाइड डाउन नहीं होती, करेक्ट. अपसाइड डाउन मतलब ऊपर वाला हिस्सा नीचे, मतलब सर सर पैर की तरफ आ गया, हाँ उल्टा कर देना किसी को, इसको कहते हैं अपसाइड डाउन. इरेक्ट उस चीज का ठीक ऑपोजिट होता है. इरेक्ट मतलब सीधा खड़े रहना, सर ऑब्वियसली मतलब जमीन को टच नहीं करेगा. वर्चुअल का मतलब क्या है? वर्चुअल का मतलब एक ऐसी इमेज, लिखना है तो एक साइड नोट बना के लिख लो, एन इमेज दैट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन में आज तक कोई ऑब्टेन नहीं कर पाया. एन इमेज दैट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऐसे इमेजेस को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज. तो रियल ठीक इसका उल्टा है. इमेज जिसको आप ऑब्टेन कर सकते हो एक स्क्रीन पे, तो थिएटर में जाते हो ना मूवी देखने 3 घंटे, तो वो रियल इमेज, तो वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है इमेज,
एग्जैक्टली तुम लोग रियल इमेजेस देखते हो मूवीज में, वर्चुअल नहीं. वर्चुअल बताओ कहाँ पे देखते हो, छोटा सा एग्जांपल दो. मिरर में, मिरर के अलावा. ठीक है, गुड. मिरर के अलावा बताओ कहाँ पे. कैमरा. कैमरा नॉट रियली. कैमरा तो जस्ट एक डिवाइस है. फोन पे. फोन पे कैसे? एनिमेटेड 3DR में. नहीं 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 नहीं, फोन VR यार वो तो डिजिटल इमेज जो प्रोड्यूस हो रही है स्क्रीन पे, ठीक है तुम कह सकते हो मिरर्स उसमें प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन VR नहीं होगा. फोन वाला कह सकते हो, फोन की जो इमेज है जो भी उसका डिस्प्ले. मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे वाटर है, वाटर बॉडी के साथ बाजू में खड़े रहोगे तो जो उसके लेट से साइड में कोई ट्री है तो उसकी इमेज तुम्हें दिखेगी. कहाँ पे? सरफेस ऑफ द वाटर, क्योंकि सरफेस ऑफ द वाटर विल बिहेव, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मिरर. हाँ, इट इज नॉट दैट गुड मिरर विच यू सी डेली इन योर बाथरूम. इट्स नॉट दैट गुड, बट या इट बिहेव लाइक पार्शियली मिरर. आई मीन, और कैसा मिरर? अलग पड़ा है. मतलब डेफिनेशन पूरी नहीं लगती इसकी. लिखा था इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट इट अनदर पॉइंट देन द इमेज इज फॉर्मड इज कॉल्ड अ वर्चुअल. इसलिए वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है वर्चुअल, इसलिए स्क्रीन पे ऑब्टेन. मैंने उसका रीजन एक तरह से लिखा है. ठीक है, चलो ऐसे लिख लो तुम लोग. डॉट डॉट समझते हो? डॉटेड लाइन और डैश लाइन के बीच में, सॉलिड लाइन के बीच में क्या डिफरेंस है? डॉटेड इमेजिनरी है. गुड, डॉटेड कह लो या डैश, और सॉलिड लाइन रियल है. नहीं, सॉलिड लाइन एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड पे, लेकिन डॉटेड लाइन नहीं करती है. तो जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी क्या तुम उसमें सॉलिड लाइन यूज करोगे या डॉटेड लाइन? डॉटेड लाइन. गुड. और रियल इमेज जब भी बनाओगे तो रियल इमेज हमेशा सॉलिड लाइंस के मिलने पे फॉर्म होती है, और वर्चुअल ठीक उल्टा, जब डॉटेड लाइन एक जगह पे मिलती है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, वही आपकी टेक्स्ट बुक कहना चाहती है. तो आप ऐसे लिख लेना उसमें डेफिनेशन ऐड करना चाहते हो तो, कि वर्चुअल रे ऑफ लाइट मीट एंड प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, नॉट रियल रे ऑफ लाइट्स. ओके, और बताओ जल्दी से फीचर. डिस्टेंस लिखो जल्दी इसको. लेटरल इन्वर्जन. हाँ, वो लास्ट में लिखते हैं. पहले ये लिखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. इमेज फ्रॉम मिरर, रिफ्लेक्शन नहीं, इमेज फ्रॉम द मिरर. स्टेप बाइज कैसे लिखा हमने? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज सेम एज. डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. और लास्ट लिख लो, यस, लैटरल इन्वर्जन. Lateral inversion मतलब simple. Left है. seems to be right and right seems to be left and right interchange. Yeah, the side. Sir. हाँ. sir हमारे mind में जो image form होती है. Mind नहीं. Retina. Sir retina में तो sir आपके upside down होती है. हम्म. तो हमें सीधा कैसे दिखाई देते हैं? वो brain उसको interpret उल्टा करती है. Okay. और अगर सीधी होती तो हमें उल्टी दिखती है. नहीं ना, है नहीं ना. ठीक है, सर वो बनाए इस तरह से ब्रेन प्रोसेस ही ऐसे करती है कि रेटिना में एक्चुअली इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होती है. इन्वर्टेड किसका ऑपोजिट वर्ड है? ये कुछ कुछ ऑपोजिट वर्ड लिख लेना, बचपन में याद करते थे ना, स्मॉल, बिग, लॉन्ग, शॉर्ट. तो उसी तरह वर्चुअल का ऑपोजिट कौन है? रियल. इरेक्ट का ऑपोजिट कौन है? Inverted. और एक बात इसका बताओ, ऑपोजिट
ये और एक था उसको क्या लेटरल नहीं नहीं मैग्निफिकेशन और एक पॉइंट में इसमें मैग्निफिकेशन भी लिखाना क्योंकि आपको वो चीज पता होनी चाहिए अरे क्या बोलते हैं उसको डिमिनिश्ड हाँ डिमिनिश्ड वेरी गुड थैंक यू कि इमेज छोटी है या बड़ी तो आप ऐसे लिख लो एनलार्ज एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज इसका ठीक उल्टा डिमिनिश हो जाएगा ये वर्ड्स लिख लो कहीं पे फ्रीक्वेंटली इनको इस्तेमाल करें इट डजंट गोज बाय रिडक्शन भी तुम समझ रहे हो कुछ कुछ लोग समझ रहे हैं लेकिन डिमिनिश्ड इज मोर अप्रोप्रिएट ठीक है तो जब भी ऑपोजिट वर्ड यूज करना हम ये पेयर्स में ही करेंगे इनको यूज लिख लो मैं फिर से बोल रहा हूँ तो भूल जाओगे लिख लिया सबने और लास्ट इसका इंपॉर्टेंट लिखो पॉइंट मैग्निफिकेशन ये बता ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज सॉरी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वन वन मतलब वो मैथ्स वाला नंबर वन तो साइज तो सेम रहता था फिर मैग्निफाई क्या हुआ नहीं हुआ ना तो हम इसी चीज को आयुष इस सेम साइज को मैथ्स की नजर में हम ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं मैग्निफिकेशन एक फैक्टर तो जीरो लिख सकते हैं ना वन तो कोई वैल्यू नहीं नहीं जीरो नहीं जीरो नहीं जीरो का मतलब है ऑब्जेक्ट है और जब तुम उसकी इमेज देख रहे हो तुम्हें दिख ही नहीं रही उसकी इमेज पॉइंट बन गई एकदम जीरो बन गई है वन मतलब जैसी है इमेज वैसा जैसा है ऑब्जेक्ट वैसा वैसी ही उसकी इमेज दिखेगी वन मतलब सेम करस्पॉन्डेंस अगर मैग्निफिकेशन वन से ज्यादा हो जाती है पता वो चीज किसका काम करेगी बताओ किसका काम करेगी मैग्निफिकेशन का काम करेगी जो माइक्रोस्कोप्स करती हैं माइक्रोस्कोप क्या करती है छोटी सी चीज है सेल उसकी कैसी इमेज प्रोड्यूस करती है एनलार्ज्ड एनलार्ज कर रही है मतलब पक्का उसके पास मैग्निफिकेशन एबिलिटी है और कैसी मैग्निफिकेशन मैथमेटिकली स्पीकिंग ग्रेटर देन वन माइक्रोस्कोप में लिखा रहता है 1000 times 3000 times 5000 times मैग्निफाई कर सकती है तो ये नंबर्स क्या है 1000 2000 5000 ये सारे के सारे नंबर्स वन से बड़े हैं तो हाँ इसके पास मैग्निफाइंग एबिलिटी है जूम इन करने वाली एबिलिटी है ठीक इनका उल्टा जैसे बाइनोक्यूलर्स पता है बाइनोक्यूलर्स यस सर बाइनोक्यूलर्स पता है ना दूरबीन एग्जैक्टली बाइनोक्यूलर्स क्या करते हैं सर दूर वाली चीज अरे वैसे ना बोलो दूर की चीज पास बट मैग्निफिकेशन के रिस्पेक्ट से मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत दूर में ऑब्जेक्ट है तुम्हारी आंख उसको मैग्निफाई करके नहीं देख सक रही है मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है जब बाइनोक्यूलर्स की मदद ली तो ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली साफ साफ दिख रहा है तो मैग्निफाई कर दिया ठीक उल्टा सोच पा रहे हो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट सर जो चीजों को छोटा करके दिखाता हो चलो टेलीस्कोप के बारे क्या कमेंट करोगे तुम लोग जिसकी मदद से हेवनली बॉडीज को देखते हैं टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है छोटा करके दिखाता है मैग्निफाई करता है सर बड़ा करके सर उसके भी मैग्निफिकेशन वन से ज्यादा होगी या कम होगी ज्यादा होगी वन से तो कोई बताओ ऐसा कोई डिवाइस जो आपको पता है जो मैग्निफिकेशन वन से कम करता है सर ठीक है इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स कौन है कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर तो लाइट चली गई थी मैं ये कह रहा था अच्छा मैं ये कह रहा था जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा ठीक है इतना बड़ा मतलब अच्छे से मैथ्स वाले इनपुट्स में देने जा रहा हूँ मान लो उसकी जो ये जो हाइट है तो क्या बोल रहे हो आप ये येलो कलर में जो मैंने बनाया लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 3 centimeter तो इसकी इमेज किसने बनाई ये देखो इसकी इमेज देख पा रहे हो यस सर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है छोटी बनी है बड़ी बनी है तो बड़ी बनी है तो हम कहते हैं यहाँ मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है मान लो ये 5 centimeter तो वन से ज्यादा है वन से ज्यादा है तो ये कैसे सर वन से ज्यादा आया वही मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है मैग्निफिकेशन इज सिंपली बट रेशियो ऑफ किसका रेशियो है
हाइट ऑफ इमेज इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये समझ पा रहे हो ठीक है ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज 5 तो 5 अपॉन 3 1 से बड़ा ही होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वही कहना चाहता हूँ लेकिन हाँ बोलो सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो और अगर इमेज हम बाइनोकुलर्स को उल्टी तरफ से पकड़ के देखें तो वो भी तो हो जाएगा बाइनोकुलर्स को उल्टी पकड़ के देखें तो बड़ी चीज छोटी दिखने लगी ने ट्राई तो किया नहीं है तो कहां से होता है सर अच्छा मे भी होता हूं बट आई हैवंट होता tried. होता होगा बट उसके मैंने एग्जांपल्स ये आपको दिए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड टू अचीव मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कॉन्वेक्स लेंस ठीक है और फिर दोबारा कॉनकेव मिरर इनको यूज करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में लिख लिया अंशुमन यस सर ओके तो मैं ये कह रहा था प्लेन मिरर होता ना तो पता कैसा ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता सेम हाइट कितनी होती इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर तो अगर मैग्निफिकेशन निकालने जाते हैं मैग्निफिकेशन ये प्लेन मिरर के केस में याद रखना प्लेन मिरर के केस में इमेज हाँ इमेज की हाइट भी 3 है सर जितनी ऑब्जेक्ट की है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज विच इज 3 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो 3 इज नथिंग बट 1 ठीक है तो याद रखना मैग्निफिकेशन अगर m इक्वल्स टू 1 है तो कैसा मिरर है प्लेन मिरर है ये समझ रहे हो प्लेन मिरर और अगर मैग्निफिकेशन नॉट इक्वल टू 1 है नॉट इक्वल टू 1 मतलब क्या समझ रहे हो तब बड़ा होगा 1 नहीं है उसके अलावा कुछ भी मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकता है 1 से कम भी हो सकता है सर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकती है नहीं मैग्निफिकेशन 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती ठीक है तो लिखो सब लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्फेरिकल मिरर जो हमने हेडिंग डाली है स्फेरिकल मिरर्स की कैसी होती है मैग्निफिकेशन नॉट इक्वल टू 1 ठीक है मतलब तो सर ऑब्जेक्ट बड़ा रहता है हाँ कभी कभी वो m ग्रेटर देन 1 और कभी कभी m लेस देन 1 प्रोड्यूस करते हैं हाँ कभी कभी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके भी दिखाते हैं कभी कभी ऑब्जेक्ट को छोटा करके भी दिखाते हैं स्फेरिकल मिरर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिख लेना दोनों की तरह बिहेव करते हैं m greater than 1 में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे श्रेष्ठा m greater than 1 में क्या यूज करेंगे कि इमेज क्या हो गई मैग्नीफाइड हाँ तो ये वाला वर्ड यूज करेंगे एनलार्ज और अगर m ये कहाँ गया लेस देन 1 है मतलब इमेज कैसी हो गई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिमिनिश वेरी गुड डिमिनिश छोटी हो गई सबको समझ में आ रहा है तुम लोग बाकी लोग कुछ बोलते नहीं हो यार सर एक प्रॉब्लम है हाँ भाई बोलो सर लाइट फिर से चली गई थी हाँ सर फिर से चली गई तो वो डीजी था ना इसलिए अभी के लिए बस ये लिखो m इक्वल्स टू 1 और m नॉट इक्वल टू 1 सर और ब्रैकेट में प्लेन मिरर हाँ एक मिनट प्लेन मिरर और यहाँ स्फेरिकल मिरर लिखो हाँ बोलो लाइट तो बेंड भी आती है क्या कह रहे हो विनीत हाँ लाइट तो बेंड भी होती है लाइट बेंड हाँ होती है ना उसी फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं बट सर अगर लाइट बेंड होती है तो हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन क्यों लेते हैं फिर अच्छा तुम ये कह रहे हो कि समझ गया एक्चुअली बीनीथ लाइट ट्रेवल्स इन ठीक है इन अ स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज द medium not it's it's not about obstacles it's about physical properties of the medium do not change matlab achanak se wo thandi hawa se garam hawa mein jayegi na light thandi hawa garam hawa sir ye thandi garam hawa kahan se aa gayi obviously summer ke time mein na jo road hoti hai na road tumhe sabko pata hai kis material se banta hai kala kala wo material bitumen jo तो रोड के ठीक ऊपर पता है ना 12 बजे या 1 बजे समर के टाइम में काफी वो सरफेस हॉट रहता है तो उस सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर होगी वो भी काफी गर्म होगी तो अगर एक ठंडे एक
कोल्ड एयर में ट्रेवल करने वाली लाइट रे उस हॉट एयर में आ गई तो उसके लिए ना मीडियम चेंज हो गया। मीडियम कैसे चेंज हो गया? क्योंकि गर्म हवा के पार्टिकल्स एकदम पागल हो गए, इधर उधर रैंडमली घूम रहे हैं, है ना, वो एकदम दूर दूर बहुत रैंडमली मूव कर रहे हैं। और होती है, हाँ, गर्म हवा। डेंस गर्म नहीं, डेंस ठंडी होती है यार। हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ गया, प्रेशर नहीं बोलते हैं, ठीक है, प्रेशर नहीं, बस हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, उसका प्रॉपर वर्ड है आदित्य। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, वार्म एयर की या कोल्ड एयर की? कोल्ड एयर की। चलो समझ नहीं आया ये। ओके, मैं दो मीडियम्स आपके सामने रख रहा हूं, एक ग्लास और एक वाटर, ठीक है, दोनों ऑप्टिकली, दोनों मतलब ग्लास और वाटर, दोनों ऑप्टिकली कैसे ऑब्जेक्ट हैं? ऑप्शन ध्यान से सुनना सर, ये ऑप्टिकली ओपेक है, क्लास सिक्स में वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जो बोल रहे हैं, हाँ, ट्रांसलूसेंट, वही मैं कह रहा हूँ जो भूल रहे हैं, एक बार सुन लो, ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शियली अलाउ करना लाइट को, ओपेक मतलब बिल्कुल ही नहीं करना अलाउ, रोक देना, और ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा अलाउ कर देना। तो ग्लास और वाटर ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट है सर, नहीं वाटर के थ्रू पूरे नहीं दिखते। एक्चुअली तुम कह सकते हो ट्रांसलूसेंट, बट रो डिपेंड करता है ना, वाटर में भी कोई इंप्यूरिटीज कितनी है, हाँ इंप्यूरिटीज कितनी है, ठीक है, बहुत हद तक आदित्य याद रखना वाटर ट्रांसपेरेंट होता है जनरली, प्योर वाटर तो बिल्कुल होता है, सॉल्ट या सी वाटर की बात करें, जनरल आंसर है ट्रांसपेरेंट, ये जनरल आंसर। सी वाटर के नीचे तक थोड़ा कुछ दिखता है, दिखता है यार, कुछ डेप्थ तक तो दिखता है आदित्य, तभी तो फाइटोप्लांक्टन सर्वाइव कर पाते हैं, तब तो उनको सनलाइट पहुंचती है नीचे। अरे भाई बिल्कुल ओपेक, तुम ये समझो ओपेक तो नहीं है ना, ये बताओ ओपेक नहीं है ना तुम्हारा, अब सुई यहाँ फंस रही है ट्रांसपेरेंट है ट्रांसलूसेंट पे, ठीक, प्योर वाटर क्या करेगा बताओ, ट्रांसपेरेंट है? यस सर। नहीं, वो भी ट्रांसलूसेंट है फिर, अगर सी, मान लो सी का वाटर सॉल्टी नहीं होता, मान लो सी का पूरा वाटर प्योर H2 होता, प्योर H2 मतलब कोई सॉल्ट उसके साथ डिसॉल्व नहीं है, तो क्या वो सरफेस पे गिरने वाली लाइट एकदम डेप्थ तक पहुंच जाती है? तब भी उसको लेयर ऑफ, डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक एक्चुअली नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं, डिस्पर्स मतलब इधर उधर फैला देते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में लाइट डिस्पर्स होती है, डिस्पर्स मतलब ये पार्टिकल है, सपोज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, बस रिफ्लेक्ट इधर उधर डायरेक्शन में, एकदम ऐसे क्षेत्र आ जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, तो तुम्हें नहीं लगता अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को उसके ओरिजिनल पाथ में ट्रेवल करने से एक तो रोक दिया, और प्लस उसकी पावर ऑफ इंटेंसिटी कम कर दी, पावर ऑफ इंटेंसिटी मतलब मान लो उसमें 10 ब्राइटनेस थी निट्स ना, जिसको निट्स कहते हैं, और यहाँ मान लो ए बी सी और डी, चार रिफ्लेक्टेड रेज जो निकली हैं, तुम इन चारों की ब्राइटनेस को अगर एड भी करोगे ना तब भी वो 10 नहीं होगी, मेरा कहने का मतलब डिस्पर्स हो जाती है, नहीं नहीं डिस्पर्स मतलब फैल जाना, छितरा जाना, तितर बितर हो जाना, ठीक है, जिसको डिस्पर्शन भी कहते हैं, इसलिए रेनबो फॉर्मेशन होता है एक्चुअली, डिस्पर्शन और उसके चलते स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, बताओ क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, न्यूटन ने प्रिज्म से पास करवाई थी लाइट तो स्प्लिट हो गई थी ना लाइट, तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं बताओ,
यस सर, सर दोबारा जाएगी ना अभी तो। आई डोंट थिंक का नाम क्या था? हाँ, इस फेनोमेनन को क्या, मैं पहले तुम लोग से पूछ रहा था वही, तभी लाइन कट गई थी। सर ग्लास प्रिज्म? नहीं नहीं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन। ग्लास प्रिज्म इसे कहते हैं ऋषभ, डिवाइस को कहते हैं। मैंने फेनोमेनन पूछा, डिस्पर्शन मतलब यही जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा था। याद रखना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसने किया था डिस्कवर? न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो हाँ, और ये डिस्पर्शन में उसने क्या चीज नोटिस की कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहे हैं। हाँ, स्पेक्ट्रम तो फॉर्म होगा, व्हाइट लाइट से बस बहुत सारे लाइट कलर्स निकलते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग और एक मूल बात यहाँ पे मिस कर रहे हो। व्हाइट लाइट अगर, जिसको हम पास करा रहे हैं, ठीक है, उसने पहले ये चीज क्यों बोली कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स? अगर बहुत बेसिक बात तुम्हें बताऊं, क्योंकि जो कि व्हाइट लाइट जिन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से बनी है, जो कि विबग्योर है, सारे, मैंने अभी अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताई थी, अगर डिफरेंट कलर है किसी लाइट का तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या डिफरेंट होगी? एक रे ऑफ लाइट है ब्लू है, सर डिफरेंट येलो है, डिफरेंट होगी फ्रीक्वेंसी। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ वन और इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ टू, तो ऑब्वियसली सर एफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ टू। तो एकदम मूल बात ये है, याद रखना बेसिक लेवल पे, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग। सर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है? नहीं नहीं, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन नहीं, यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। इन रिफ्रैक्शन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आर डिफरेंटली बेंडेड, इस चीज को समझना है। मतलब जो मीडियम होता है ना, कौन सा मीडियम सर? ऑप्टिकली, ये नोट कर लिया था ना सबने, ऑप्टिकली। अब हम जो भी मीडियम्स की बात करेंगे वो ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम्स की ही बात करेंगे, ग्लास और वाटर, एयर। एयर मैंने बनाया नहीं यहाँ पे, चलो एयर बना देते। ये कैसे मीडियम्स हैं, लिख लो पहले, लिखो सब लोग, ग्लास कॉमा एयर, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट। अब बोलेंगे हम लोग, लिखो ग्लास कॉमा एयर कॉमा वाटर आर ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, लिखो पहले ये चीज, लिखा। हाँ, और एक चीज जो मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बारे बात बता रहा था, डेंसिटी मतलब कभी भी ये मत समझ लेना कि पार्टिकल्स जो हैं उस मीडियम के कितने क्लोज हैं एक दूसरे के, ये एक्चुअल रीजन नहीं होता ऑप्टिकल डेंसिटी का, ठीक है, उसका और भी बहुत मतलब होता ऑप्टिकल डेंसिटी का, बट हाँ अभी के लिए चलो वही समझ लो। तो किसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, ये गैस एयर या सॉलिड ग्लास या लिक्विड वाटर एयर, ठीक है। तो ऑप्टिकली रेयरर होगी एयर या ऑप्टिकली डेंसर होगी? मैंने air. दूसरा वर्ड क्या बोला, ऑप्टिकली रेयरर, स्पेलिंग है आर ए आर ई आर, ठीक है, ओके। अभी के लिए मैं ये लिख देता हूं D1 है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, एयर के बाद फिर कौन से पार्टिकल, मतलब कौन सा मीडियम होगा जिसके पार्टिकल्स थोड़ा और नजदीक आ गए, ग्लास या वाटर? वाटर, वाटर, श्योर? किसके बाद? एयर तो सबसे वन है ना, नंबर वन, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। एयर के बाद सेकंड नंबर में कौन, ग्लास या वाटर? ग्लास, ग्लास ट्रांसपेरेंट है। वही तो बात है आदित्य, ये तीनों के तीनों ट्रांसपेरेंट हैं। सर ग्लास ज्यादा है वाटर से? सर डिपेंड करता है, सर वाटर वाटर सर डॉट उसमें उसमें डिपेंड करता है, डॉट नहीं, पार्टिकल्स कितने क्लोजली या कितने दूर में अरेंज्ड हैं इसके। एक बार जल्दी से चेक करो, ऑप्टिकली ग्लास और वाटर विच इज ऑप्टिकली डेंसर? ग्लास और वाटर विच इज ऑप्टिकली डेंसर? सर ग्लास, ग्लास है सर, पता नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ, एक मिनट चेक करो सर, ग्लास है, ग्लास है। तो मतलब वही चीज फॉलो हो रही है कि गैस के बाद लिक्विड आएगा, राइट, जो श्रेष्ठा ने कहा।
वाटर है ग्लास, रुक जाओ यार, ग्लास इज द डेंसर देन वाटर, हां ग्लास इज डेंसर, पर आइडल केस हो जाएगा देन वाटर, आइडल केस नहीं, एयर गैसियस स्टेट है, वाटर लिक्विड स्टेट है, ऐसे रिलेट कर सकते हो, और ग्लास एक सॉलिड स्टेट है, तो ऑब्वियसली किसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, एयर के, तो लाइट बहुत जल्दी से पास हो जाती है एयर से, जल्दी मतलब वेलोसिटी इसकी बहुत हाई होती है एयर में, फिर वाटर से पास कराओगे तो कम हो जाएगी वेलोसिटी, उससे कम होगी एयर से कम, लेकिन ग्लास में पास कराओगे तो सबसे स्लो ट्रैवल करेगी, तो इसलिए ऑप्टिकल डेंसिटी का भी ये ऑर्डर होता है, D1, D2, D3, ऐसे लिख लेना कि D1 इज ग्रेटर देन, D2 इज ग्रेटर देन D3, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ये है क्या सर, D स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी में फर्क, हाँ फर्क होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी सिर्फ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने एक जगह पे, उस पे डिपेंड नहीं करती है, वो उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को भी लेकर साथ में चलती है, ऑप्टिकल मतलब फोटॉन्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट, फोटॉन्स उन्हीं को कहते हैं ना जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मीडियम्स बना लेना ऐसे, बस एक रफ डायग्राम टाइप्स, ये वाटर है, जैसे वेव्स नहीं बनाते हो वैसे बना लेना बस, ओके डन, यस सर, ओके, हाँ तो व्हाट इज डिस्पर्शन, वो भी लिख लो, डिस्पर्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, अरे ना बनाओ, कलर्स, ठीक है, लिख लिया, जाने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खत्म करके जाएंगे अबाउट स्फेरिकल मिरर, आई होप ये लिख लिया सबने, यस सर, यस सर, ठीक है, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले हम कौन से स्फेरिकल मिरर के बारे पढ़ेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, सबको पता है कॉनकेव मिरर का कौन सा पार्ट सिल्वर पेंटेड होगा, वैक्स वाला पार्ट, एग्जैक्टली, तो मैं जल्दी से उसको कर देता हूँ सिल्वर पेंटेड, तो जो उसका सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी, कोई भी पॉइंट में मिरर पे लूंगा उसको पोल बोलेंगे, पोल, जो लाइन सेगमेंट हो, या फिर सेंटर ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ लेंस, पहली बात बात नहीं हो रही, मिरर हो रही है, हाँ सॉरी मिरर, हाँ तो तुम एक तरह से कह सकते हो, हाँ चिराग, कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक चलोगे ना पॉइंट ए से बी, तो उसका मिड पॉइंट पी है, ऐसा कह सकते हो, बट वो पी कहीं भी हो सकता है, वो पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, पी डिपेंड करता है कि इंसिडेंट लाइट तुम कहाँ पे लेते हो, बट इस पॉइंट पी को हम लोग यहाँ इसलिए लेते हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना हमें हॉरिजोंटल दिखता है, अगर तुम इसी पॉइंट पी को यहाँ ले लोगे, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई मना नहीं कर सकता, बट ऐसे देखने की आदत नहीं है ना, तो समझ रहे हो, यस सर, हाँ, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन या है ना, लाइन है वो, लेकिन लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर विद प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन का टुकड़ा जो इनको कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो याद रखना सीपी है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिड पॉइंट बोला मैंने, फोकस या फोकल पॉइंट, गुड,
मिड पॉइंट सर रेडियस ही लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं हाँ लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं गुड मिड पॉइंट ऑफ सीपी इज फोकस और फोकल पॉइंट सो कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं ठीक अब जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना सबसे पहले रूल्स हम क्लियर कर लेते हैं मिरर है तो रिफ्लेक्शन हो गया रिफ्रैक्शन जल्दी बोलो रिफ्लेक्शन लाइट उसके थ्रू पास नहीं करेगी सपोज यहाँ मैंने एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बनाई ये वाली ये कैसी सर आपने लाइट रे ऑफ लाइट बनाई इंसिडेंट ये मैंने जानबूझकर पैरेलल बनाई है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के जहां पे टकराई है मिरर से उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वेरी गुड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमेशा स्टेप्स याद रखो इंसिडेंट रे आई जहां टकराई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अब सर नॉर्मल हो गया हां अब तो वो कह लेते हैं कि सर वो फोकस से पास कर जाती है जो जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास कर जाती है ये कहते हैं रूल है रट लो ठीक है ये एब्सोल्युटली ट्रू है बट ये क्यों है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं ध्यान से सुनना एक्चुअली इस पॉइंट मान लो ये पॉइंट है ए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है अगर तुम इस पॉइंट ए को डॉटेड लाइन से कनेक्ट करोगे किससे सी से तो ये दिख रहा है सबको ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है एग्जैक्टली थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट की कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें नॉर्मल का काम कौन करता है उसमें नॉर्मल का काम हमेशा और हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनी पॉइंट ऑन द मिरर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ हाँ मैंने मिरर बस एक छोटा सा आर्क बनाया था मिरर पूरा ऐसे भी हो सकता है जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऐसे मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो मान लो आपने बाहर एकदम ऐसे इतना हिस्सा पेंट कर दिया इसका हाँ इतना हिस्सा पेंट कर दिया तो उसका ये इनर पोर्शन कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा ठीक लाइट आई ये देखो रे ऑफ लाइट आई कहाँ पे टकराई सर यहाँ पे टकराई इस रेड पॉइंट पे जिसको मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह रहा हूँ अब सर मुझे जानना है कि सर ये डायरेक्शन से निकलेगी ये येलो पाथ या ये ग्रीन पाथ या फिर ये रेड पाथ इसका सर रिफ्लेक्टेड पाथ क्या होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल रे नहीं 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 आयुष ऐसे नहीं कहते हैं उस पे आते हैं एक मिनट रुको तो समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे आप कैसे बनाओगे ये येलो होगी ग्रीन होगी या रेड होगी इसका आंसर बहुत सिंपल है कंफ्यूज होना नहीं कर देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को वही फाइन पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को डॉटेड लाइन से जॉइन करेंगे डॉटेड ये एंगल मिल गया तुम लोगों को इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ये एंगल मिल गया सेम एंगल यहां प्रोड्यूस कर दो ये देखो ठीक तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलेगी देखा सबको यस तो हमने क्या चीज नोटिस की कि सीपी एंगल बाइसेक्टर का रोल निभा रही है एंगल बाइसेक्टर समझ रहे हो यस सर यस सर इक्वल पार्ट में डिवाइड इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना या एक फुल एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना ठीक है तो इसको ये सेम फंक्शन ह्यूमन आई में होता है ह्यूमन आई है ना जो सेम है यही फंक्शन होता है बट ह्यूमन आई परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है थोड़ा सा मतलब परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है बेसिकली तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे ऑलवेज ऑलवेज नहीं ऐसे लिखना कैसे लिखोगे हाँ नॉर्मल टू एन इंसिडेंट एंड नॉर्मल टू एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Any point of incidence on mirror, ठीक है कोई भी point ले लो mirror पे should be joined with center of curvature. ताकि center of curvature से जब join करोगे तो तुम्हें idea लगेगा कि कितना angle of incidence है जहां एक बार ये idea लग गया तो first law angle of reflection भी उतना होना चाहिए
फिर आपको पता चल जाएगा। आई होप ये क्लियर है। Yes, ठीक है। yes, sir, अब मैं इसको इरेज करके बहुत स्पीड से बढ़ रहा हूँ, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा कॉनकेव मिरर। तो मैं इसको इरेज करूँ? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ। मिरर बनाया मैंने, बाहर सिल्वर पेंटेड कर दिया, ये पॉइंट पोल है, ये सेंटर है, लाइन जॉइनिंग है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसी रे ऑफ लाइट दे दूं, ऐसी जो पैरेलल नहीं है, आई होप सब लोग बना लोगे, वो कितना एंगल बना के निकलेगी, उसको पहले डॉटेड लाइन से कनेक्ट करना और जो ये एंगल होगा थीटा आई, यही थीटा आर बना देना। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट मेरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोज रे ऑफ लाइट ऐसे ही आ गई, ऐसे मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, बताओ रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी? इसका मतलब सर, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, देखना ध्यान से, ऐसे कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सर इसका रिफ्लेक्टेड रे, एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड रे वैसे ही उसी पाथ एंटी पैरेलली चली जाती है। मतलब सर इन केसेस में बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जीरो। वेरी गुड, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखो सब लोग, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। पासेस थ्रू सी लिख रहा हूं, तुमने फुल लिखना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जीरो देखकर चमक जाना चाहिए दिमाग में, जब एंगल जीरो है तो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ को वापस चली जाएगी पकड़ के, पाथ चेंज नहीं होगा। तो ऐसी केस में होते हैं ना जब नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे सेम ही लाइन होती है। यस, वेरी गुड। इसी केस में नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम लाइन पे लाई करते हैं, पता है ना? नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट तो वही है, रिफ्लेक्टेड भी वही है। ठीक है, yes, चलो मैं रेस करूं इसे। यस सर। ओके ग्रेट। अब एक पैटर्न देख लो, कॉन्वेक्स खत्म हो जाएगा। पैटर्न सिंपल है, देखो अब से मैं ऑब्जेक्ट ऐसे बनाऊंगा, ये छोटा सा अपराइट एरो, सिल्वर पेंट। अपर्चर, डायमीटर ऑफ अपर्चर, यार अभी के लिए समझ, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, पूरे उसका डायमीटर होता है। नहीं नहीं, डायमीटर नहीं कहते उसको, तो कैमरे में होता है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई भी लेंस हो या कोई भी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, उसके इस एरिया को अपर्चर कहते हैं। एरिया समझ गए? यस सर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ एक और मिरर ऐसे बनाया, बस उसका इतना ही हिस्सा मैंने सिल्वर पेंट किया है, पूरा नहीं, तो उसका अपर्चर ये है सिर्फ, ये है सिर्फ उसका अपर्चर, ये पोर्शन। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस यस, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, चलो तो ये सब वर्ड्स लिख सकते हो कहीं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, काम आएंगे। अपर्चर है और एक वर्ड है, उसको कहते हैं आईएसओ। आईएसओ नहीं यार, फोटोग्राफी यहाँ नहीं सीखनी है, आईएसओ नहीं, कर्वेचर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्वेचर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद है किसी को? नहीं याद है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल, अमाउंट ऑफ बेंडिंग। आदित्य ने पूछा अपर्चर, स्पेलिंग है APERTUR, अपर्चर। मैंने कहा रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर और लेंस इज अपर्चर। कर्वेचर मैं कह रहा हूं अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ए सॉरी, बेंड हो रहा है ना, तो हाँ सही है, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
सर अपर्चर में सर मैम ने लिखवाया था डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर. डायमीटर यस सर ऑफ द अभी मैंने ठीक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रहा है ना तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग ये देखना जरा ये मान लो बहुत बड़ा सा ऐसा कुछ है तेरे क्या बना रहे हो समझ जाओगे समझ में आया एक बहुत बड़ा सा गोल एक वॉलीबॉल का आउटर सरफेस है बस उसका जो छोटा सा हिस्सा है मैंने उसी को सिल्वर पेंट कर दिया समझ में आया 3D ऑब्जेक्ट है कोई काइंड ऑफ 3D हाँ समझ में आया yes, sir. ये एक एरिया है ग्रीन में बाउंडेड तो मैम ने कहा डायमीटर ऑफ दिस सरफेस सरफेस का डायमीटर मतलब वो पक्का सरफेस को कैसा इमेजिन कर रही है यहाँ तो मैंने पैरेललोग्राम टाइप से बनाया वो सरफेस को सर्कल इमेजिन कर रही है सर्कुलर है सरफेस रिफ्लेक्टिंग तो ऑब्वियसली जब सर्कुलर होगा तभी आप उसका डायमीटर बोल सकते हो ठीक है बोल सकते हो यार तो अपर्चर में हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हम उसको स्फेरिकल मानेंगे क्या मानेंगे स्फेरिकल अच्छा ठीक है कोई नहीं लेकिन कर्वेचर लिख लेना या फिर याद रखना कैमरे के लेंस तो स्क्वायर शेप में होते हैं ना बहुत सारी लेंसेज होती हैं आयुष कॉन्वेक्स कॉनकेव मिररलेस हाँ प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है सबको यस सर सी दिखा और पी सबसे पहला केस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इंफिनिटी मतलब कितनी भी दूरी से आ रहा है अच्छा सर ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस हम किससे मेजर करते हैं पता है किसी को विद रिस्पेक्ट टू पोल तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट कहीं साइड में लिख लेना ऑल मेजरमेंट्स या छोड़ो इसको मत लिखो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा जो भी मेजरमेंट होती है इमेज की या ऑब्जेक्ट की हमेशा पोल से बनाया जाता है जैसे कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई एक्सिस होता है ना जो सारी मेजरमेंट ओरिजिन से रिस्पेक्ट में की जाती है वैसे पोल यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब ऑब्जेक्ट कितना लेफ्ट साइड है इसके पता नहीं इन्फाइनाइट मीटर्स पे बहुत 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 दूर है ठीक तो उससे रे ऑफ लाइट हम इमेजिन करते हैं पैरेलली आ रहे हैं किसके पैरेलल प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस के हाँ सबको फोकस दिख रहा है मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी यस सर तो सारे रे ऑफ लाइट फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगे ठीक है तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है फोकस पे सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही है ऑब्जेक्ट से वो किन रूप में आ रही है इन पैरेलल रेज में आ रही है ऑब्जेक्ट की हेड वाली इंफॉर्मेशन इन रेज में आ रही है सपोज या ऑब्जेक्ट की जो टेल वाली इंफॉर्मेशन है निचला हिस्सा ऑब्जेक्ट का वो इन रेज ये रेल अपने साथ लेकर आ रही है तो सारी रेज कहाँ पे मिल गई फोकस पे तो क्या उस ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत छोटी सी नहीं बन गई पॉइंट लाइक यस सर इसे हम कहते हैं हाइली डिमिनिश्ड क्या कहते हैं इसको हाइली डिमिनिश्ड तो ये हम क्या लिखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक जल्दी से टेबल बनाना या फिर चलो लास्ट क्लास अगले क्लास में करें थोड़ा टाइम हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में करें इसको ओके सर क्योंकि 5 केसेस है इसके ये तो पहला केस है 5 एक मिनट 1 2 3 6 हैं सॉरी और वो 6 केसेस कैसे याद करने एक बस छोटा सा टिप बोल के मैं खत्म करता हूँ क्लास हमेशा वो 6 केसेस को ऐसे याद किया करो जैसे मैं अपने माइंड में करता हूँ मुझे बहुत हेल्पफुल ये लगती है टेक्निक ये प्रिंसिपल एक्सिस का जो जोन है ना इसको इनमें डिवाइड कर दो देखो यहाँ कितने पॉइंट्स आ गए प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से लेकर इधर इंक्लूडिंग फोकस 3 तो इन 3 पॉइंट्स ने 3 जोन में डिवाइड कर दिया इसको एक येलो जोन हो गया जो सी के इधर है एक ग्रीन जोन जो सी और एफ के बीच में और एक रेड जोन तो सर 6 केसेस पता कैसे बनते हैं पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है बहुत दूर है पहला तुम्हें पता नहीं वो पी से कितनी दूरी पे लेफ्ट साइड
दूसरा केस होता है कि ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब वो यहाँ कहीं पे होगा लेकिन बियॉन्ड सी होगा, बियॉन्ड सी मतलब सी के दूर, ठीक। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा अच्छा ठीक, इसको कहते हैं बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? बियॉन्ड सी। दो केसेस क्लियर है, इन्फिनिटी थोड़ा पास लेकर आया बियॉन्ड सी, और पास लेकर आ गया एट सी, एट सी। तीन केसेस अब हो गए, मेरे साथ रिवाइज करो जल्दी, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, और पास लेकर आओ बिटवीन सी एंड एफ। वेरी गुड, बिटवीन सी एंड एफ। चार हुए केसेस, पांचवा एट एफ, छठवा बिटवीन एफ एंड एफ एंड बी। बस ऐसे याद रखो, ये याद हो गया, उसके बाद मैं बहुत बेहतरीन पैटर्न बताऊंगा, तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे कभी इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, खुद ब खुद तुम बताने लग जाओगे। कॉन्वेक्स के तो दो ही होते हैं ना, बस कॉन्वेक्स के दो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो आपका होमवर्क क्या है, गो थ्रू द बेसिक डेफिनेशंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस एंड डिस्पर्शन, जस्ट रीड द इंट्रो पार्ट ऑफ दैट चैप्टर लाइट, ओके ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।